अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ चुका हूँ और मैंने अपना नाश्ता वगैरह सब टाइम पे कर लिया, वरना मेरा नाश्ता काफ़ी लेट हो जाता है। मुझे मेरे दांत का थोड़ा मसला चल रहा था, तो वो भी गाइस 1 से 2 दिन में बिल्कुल हल हो जाएगा और मेरे को अब पेन भी नहीं है दांत में, तो इस वजह से गाइस अब मेरे ब्लॉग थोड़ा सा टाइम में आने लग गए हैं। गाइस पहले ये होता था कि मेरे दांत में दर्द होता था, तो आपको शायद पता ही होगा जिस किस दांतों में दर्द होता है कि उसकी पूरी एक जो साइड होती है ना गाइस, इस पूरी साइड में दर्द होता है। तो इस वजह से गाइस ब्लॉग बनाने में मुझे थोड़ी नेस्ती होती थी कि यार सर दर्द हो रहा है क्या करूँ ये वो। तो खैर गाइस मैं ब्लॉग नहीं बनाता था। इंशाल्लाह गाइस 1 से 2 दिन में जब मेरे दांत ठीक हो जाएंगे बिल्कुल 100%, तो इंशाल्लाह गाइस रोज़ ब्लॉग आया करेंगे, रोज़ ब्लॉग आया करेंगे। और आप लोगों ने बस क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरे हर न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरा रूम कुछ इस तरीके से नज़र आता है कि देखें हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर होती है और बिल्कुल चादर वगैरह हर चीज़ ठीक होती है। लेकिन अब मसला पता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ गाइस आप मेरे रूम की हालत देखिए, देखें किस तरीके से ये कंबल बिखरा हुआ है, कब तक ये बिखरे हुए हैं, बेडशीट बिखरी हुई है। और समझ नहीं आती गाइस जब मैं सोता बेड पर हूँ तो ये चीज़ कैसे ख़राब हो जाती। तो गाइस अभी हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि अपना रूम ठीक करना है, और रूम ठीक करने के लिए गाइस हमें ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी सस्ती सी। तो गाइस अभी मैं आपको ट्रांसमिशन करके दिखाता हूँ। ये हमारा सारा सामान फैला हुआ है और ये गाइस हमने सस्ती सी ट्रांसमिशन की और आप ये देख सकते हैं गाइस हमारा पूरा रूम सेट हो चुका है। शाबाश बेटा। अब बारी आती है गाइस मुझे अपने आप को सेट करने की, तो सिर्फ गाइस आप मुझे 5 मिनट दें, मैं 5 मिनट में अपने आप को सेट करके आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और ना अभी मैं आया था बाहर क्योंकि पौधों को कल मैंने पानी नहीं दिया था, तो ये मैंने बाल्टी रखी है यहाँ लाके और अभी मैं पौधों को पानी दूंगा। और पौधों को पानी देने के बाद गाइस मैंने जाना है साउथ के पास क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने 2 हज़ार वाली वीडियो नहीं बनाई और हम पोस्ट भी नहीं कर रहे, तो चैनल पर काफ़ी सारा फर्क पड़ सकता है। तो इस वजह से गाइस अभी बस मैं इनको पानी दे दूँ, फिर चलते हैं हम साउथ के पास को बुला के लाते हैं और यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोग देखते हैं ये जगह, ये इसी जगह पर हम लोग 2 हज़ार वाली वीडियो बनाते हैं। तो साउथ को तो यही लगता है कि शायद हमारी यही जगह भी वायरल हो चुकी है। बस गाइस अभी मैं इनको पानी दे दूँ, फिर मैं साउथ को बुला के लाता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। गाइस मैं साउथ को भी बुला के ले आया हूँ और ये साहब खड़े हैं। गाइस ये ना हमने दुपट्टे वगैरह निकाले हैं, ये साउथ दुपट्टे लेकर आया, पता नहीं किसके। एक कंपनी ने हमसे रब्ता किया है कि हमारे जो दुपट्टे हैं ना उसको आप शो ऑफ करवाओ। शो ऑफ करवा रहे हैं, दिखाओ ना, शो ऑफ तो करवाओ। स्पेशल एक दुपट्टा है, क्या खासियत है? फाड़ी वालों ने अच्छा, मैंने बोला ये वीडियो जो है ना हमारे वीडियो में दिखाओ आपको, हम जो है ना प्रमोशन दे रहे हैं, प्रमोशन के जरिए आ रही है। खास बात बताओ साहब। इसकी खास बात जो है ना, इतना काला है ना, इतना काला आप रात को अगर ऐसे ओढ़ के भागोगे आप दिख नहीं पाओगे किसी को, ऐसा लगे जीना आ रहा है। अच्छा, और ये सेकेंड वाले की इसकी खास बात है, ये अफगान के वो नहीं होते पहाड़ से छोटे छोटे कपड़ों के पौधे होते हैं अफगान के पहाड़ों में जो इलाके हैं वहाँ से जो है ना हमने स्टिचिंग करवा के ये बनवाया। इसका ये फायदा है कि इसका फायदा क्या है क्या फायदा? अच्छा हाँ, क्या जैसे घर के काम कर रहे हो, अजान हो रही तो अजान के लिए आपको दुपट्टा सर पे लेना होगा उसके लिए, और कोई दुपट्टे नहीं ले सकते सर पे। कुछ भी गाइस काफी ना मगरिब की टाइम होते जा रहे हैं, अंधेरा होने वाला है और ये आज हमें टोपी भी नहीं मिल रही थी तो हम लोग ने आज ये वाली टोपी उठा ली है सर्दियों वाली दुआ के पापा की। तो अभी जल्दी से वीडियो बना लेते हैं इससे पहले अजाने हो जाए। गाइस आपने देखा होगा हमने शाम के टाइम में वीडियो बनाना स्टार्ट की थी और अभी मगरिब हो चुकी है, देखिए अंधेरा हो चुका है और जितनी देर हो गई हम वीडियो बना रहे हैं और टिकटॉक वाले ने क्या किया, हमारा पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया है और काफ़ी देर से जो हमने मेहनत की है वो सारी हमारी ज़ाया हो गई है। अगर टिकटॉक वालों को क्या पता 1-2 घंटे लगते हैं ये वीडियो बनाने में, इतने लोगों के सामने करनी पड़ती है, शर्म आती है बंदे को, इतनी टेक ले लेके बनानी पड़ती है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है टिकटॉक वालों। बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, खुला चैलेंज दे। गाइस हम वीडियो बना रहे थे तो कल मैंने बिजी होना था, इस वजह से हमने आज ही 4 से 5 वीडियो बना ली थी और अब भी पता लगा कि हमारा पूरा का पूरा चैनल
ब्लॉक हो गया और ना मेरे सिर में दर्द होने स्टार्ट हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी जो वीडियो थी हमारी से ना वायरल हुई हुई थी। कितने तक गई थी हमारी सबसे ज़्यादा वायरल वाली? सबसे हमारी वायरल गई थी 5 मिलियन पे गई थी। 5 मिलियन पे गई गाइस हमारी जो लास्ट वीडियो है वो 5 मिलियन पे गई हुई थी टिकटॉक वाली। अब उन्होंने मैच अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, आपको समझ नहीं आ रही? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या आप इनको बोलूँ, छोड़ो माफ़ कीजिए। आप सब लोगों को जैसा कि पता है कि हमारा टिकटॉक का अकाउंट बैन कर दिया गया है, और गाइस हम लोग ने यानी कि अप्लाई भी कर दिया, हो सकता है वो हट जाए बैन से और हो सकता है वो बैन ही रहे। इससे पहले भी हमारी काफ़ी सारी वीडियो गाइस बैन हुई थी और वो चल पड़ी थी। इस बार तो गाइस हमारा पूरा का पूरा अकाउंट ही बैन हो चुका है। तो खैर गाइस कोई मसला नहीं, आप लोग दुआ करनी है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह गाइस चल पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।